गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ बीबीबीए। इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट सम एमसीक्यूज फॉर द ऑनलाइन टेस्ट। टुडे वी आर गोइंग विद द आवर न्यू सम क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 8। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ। स्केलेटन जो होता है ह्यूमन बॉडी में वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? तो बोन्स, कार्टिलेजेस, बोथ बोन्स एंड कार्टिलेजेस, नन ऑफ दीज। तो स्केलेटन में बोन्स भी होती है और कार्टिलेजेस भी। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बोन्स एंड कार्टिलेजेस। बोन्स और कार्टिलेजेस दोनों होते हैं स्केलेटन में, जिनसे वो मिलकर बनता है। फिर ब्लैंक्स द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट टुगेदर, जहां दो और या ज्यादा जो बोन्स होती है वो कनेक्ट होती है, है ना, उसे क्या कहते हैं? जॉइंट। क्या कहते हैं बेटा? जॉइंट। वेयर टू और मोर बोन्स आर मीट, जहां दो या दो से ज्यादा बोन्स जो है वो मीट होती है, जुड़ती है, कनेक्ट होती है, अटैच्ड होती है, उसे क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं, जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बोन्स आर जॉइंट बाई अ टफ स्ट्रक्चर कॉल्ड। बोन्स अगर जुड़ी हुई है किसी टफ स्ट्रक्चर से तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? अगर बोन्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है वो एक टफ स्ट्रक्चर होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा? लिगामेंट्स, टेंडन, नर्व्स, मसल्स। तो नर्व्स और मसल्स तो नहीं होंगी। टेंडन क्या होता है बेटा? जहां एक बोन जो है बोन्स कनेक्ट विद द मसल्स, जहां बोन्स अगर मसल से जुड़ती है तो वो होता है टेंडन, और अगर दो बोन्स जुड़ती हैं आपस में, वेन टू बोन्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय द लिगामेंट। तो बोन्स अगर आपस में जुड़ी हुई होती हैं तो वो जुड़ती हैं लिगामेंट से, और एक मसल और बोन जब जुड़ती हैं वो जुड़ती हैं बाय द टेंडन। तो आंसर क्या हो जाएगा? लिगामेंट, क्योंकि बोन्स किससे जुड़ी हुई होती है? लिगामेंट से। फिर है क्वेश्चन, देयर आर मोर देन मसल्स इन आवर बॉडी। अपनी बॉडी में मसल्स कितने होते हैं? तो 300 नहीं होती है, 360 नहीं होती, 350 जो है। अपनी मसल्स कितनी है बेटा अपनी बॉडी में? 350 मसल्स। द बोन्स आर सॉफ्ट व्हाइल द कार्टिलेजेस आर हार्ड। ट्रू फॉल्स है कि बोन्स जो होती हैं दीज आर द सॉफ्ट व्हाइल द कार्टिलेजेस आर हार्ड, है ना। तो ये जो है क्या हो जाएगा बेटा? बोन्स क्या होती है? ऑलवेज हार्ड। बोन्स क्या होती है? हार्ड होती है, लेकिन जो कार्टिलेजेस होती है वो सॉफ्ट होती है। तो ये जो है सेंटेंस, द बोन्स आर सॉफ्ट व्हाइल द कार्टिलेजेस आर हार्ड, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स। ये क्या है? फॉल्स है, ट्रू नहीं है। उसके बाद है अपर जॉ ऑफ, अपर जॉ इज मूवेबल। अपर जॉ जो होता है ऊपर वाला जबड़ा वो मूवेबल होता है, तो वो होता है इमूवेबल। फिक्स होता है ऊपर वाला जबड़ा, और नीचे वाला जो जॉ होता है वो मूवेबल होता है। तो ये भी हो जाएगा बेटा फॉल्स। ए ह्यूमन बॉडी इज बोन विद 206 बोन्स। जो ह्यूमन बॉडी होती है वो 206 बोन से मिलकर जब उसका बर्थ होता है तो 206 बोन्स होती है उसमें। तो अपने पहले भी बात करी थी कि जो न्यू बोर्न होता है उसमें कितनी बोन्स होती है? 300, है ना। जैसे ही वो चेंज होता है एडल्ट में तो सम बोन्स आर फ्यूज टुगेदर, तो कुछ हड्डियां या बोन जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है। तो उसमें एडल्ट होने पर कितनी रह जाती है? 206, है ना। लेकिन जब वो वर्क करता है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि न्यू बोर्न है ना, ह्यूमन बॉडी की बोन विद 206 बोन, तो जब जन्म हो रहा है उसका तो कितनी बोन है उसके पास? 300। 206 कब होती है? जब वो एडल्ट हो जाता है, है ना। तो ये ह्यूमन बॉडी इज बोन विद 206 बोन, दिस सेंटेंस इज आल्सो फॉल्स। ये भी क्या है बेटा? फॉल्स है, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको कल वापस जो ऑनलाइन आपका टेस्ट है उसमें पूछे जाएंगे। क्वेश्चन हम लोग सेंड करेंगे, आप अपना सबसे पहले नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, और जो टेस्ट नंबर 10 टेस्ट होने वाला है तो फर्स्ट जो टेस्ट होगा उसमें आप टेस्ट नंबर फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड थर्ड ऐसे आप लिखेंगे, और आंसर अपनी जो फेल नोटबुक है उसमें से लिखकर आप हमें सेंड करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।